press the bell icon on the YouTube app and never... आपने दो लोगों के हक मार मार करके आपने वक्फ बोर्ड को इस देश की थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बनाया। आपने आपने कई भारत के एयरपोर्ट पर यह धावा बोल दिया कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब जब आपने इतनी चिटिंगबाजी कर ही ली, आपने इतना इतना गबन और इतना लैंड माफिया का कारोबार चला ही दिया, तो थोड़ा बहुत पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमानों को भी थोड़ा फलाह और बहबूद से मुतासर करवा देते, मयसर करवा देते। सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे दो बहादुर और शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अलाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज के सामने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबसे ज्यादा भारत में है और 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी है। तो फिर मुस्लिम क्लेरिक, मौलाना, प्रेचर, असदुद्दीन अवेसी, ये लोग ये क्यों बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों के पास खाने को भी नहीं है, भारत में मुसलमानों के पास पहनने को भी नहीं है, भारत के मुसलमान बहुत अत्याचारित है, भारत के मुसलमानों को पूरा बर्बाद कर दिया गया, क्यों बोलते हैं? अरे आपको तो ब्रिटिश लियाकत अली जिन्ना और नेहरू और गांधी ने मिल करके एक इतनी बड़ी चीज दे दी, और जिसको आपने धीरे 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 चोरी और चिटिंगबाजी से बहुत फैलाया फुलाया। आपने दो लोगों के हक मार मार करके आपने वक्फ बोर्ड को इस देश की थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बनाया। आपने आपने कई भारत के एयरपोर्ट पर यह धावा बोल दिया कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब जब आपने इतनी चिटिंगबाजी कर ही ली, आपने इतना इतना गबन और इतना लैंड माफिया का कारोबार चला ही दिया, तो थोड़ा बहुत पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमानों को भी थोड़ा फलाह और बहबूद से मुतासर करवा देते, मयसर करवा देते, है ना? अब मुसलमान बेचारे, यही सच्चर कमीशन का रिपोर्ट ये कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी भारत में है, और यही सच्चर कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि भारत में मुसलमान एडुकेशन में दलित से भी पीछे हैं। दोनों सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, और कोई भी गूगल में सर्च कर सकता है या किसी भी बीबीसी वर्ल्ड न्यूज में जाके सर्च कर लो, अल जजीरा में, क्योंकि मुसलमानों को ये सब बायस चैनल पर ज्यादा फेथ होता है, ज्यादा बिलीव होता है, तो इसलिए मैंने इनका ही नाम लिया। तो वो अल जजीरा और बीबीसी ने भी छापा हुआ है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान भारत में दलित से भी पीछे है पढ़ने में। तो भाई जब तुम सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर हो, तो तुम्हारे हाथ किसने बांध रखे मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, मुसलमानों के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन का काम करने के लिए? किसी ने तो बांध नहीं रखे, तुमको तो करना चाहिए। पर होता क्या है कि ये उसमें इमामबाड़ा बनाते हैं, ये उसमें मदरसा बनाते हैं, ये उसमें मसाजिद बनाते हैं, ये उसमें मजार बनाते हैं, ये उसमें पीर मुर्शिद का जगह बनाते हैं, कब्रिस्तान बनाते हैं। आपत्ति नहीं है भाई, अगर 78 साल के भीतर और भी पीर मुर्शिद पैदा हुए हैं तो हमारे लिए आश्चर्य है, क्योंकि हम पढ़े लिखे मुसलमान हैं। पीर मुर्शिद जिनको पैदा होना था वो हो चुके थे, लेकिन अभी भी अगर पैदा हो रहे और मजारें बनती चली जा रही हैं, तो वो हमें भी समझ में आ रहा है कि इजी मनी इनकम है। पर कभी भी वक्फ बोर्ड ने किसी भी हाल में गरीब मुसलमान और मुसलमान युवाओं के शिक्षित शिक्षा के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। अब बात आती है कि असदुद्दीन अवेसी बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा चीख वही रहे, मदनी बहुत चीख रहा है। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले नेशनल न्यूज पर थी तो मदनी साहब तो बड़े बौखलाए हुए थे, नहीं मुसलमानों को परेशान तो किया जा रहा है। अरे जब किया जा रहा है तो सीए पे बुला क्यों रहे थे मुसलमानों को, बेचारे को अच्छे से रहने दो। अब है कि असदुद्दीन अवेसी का भांडा फूटा है और हिजाब खुला है। असदुद्दीन अवेसी ने 3000 करोड़ की संपत्ति गबन करके रखा हुआ है वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड का। उसमें महल बनाया है, उसको 8-8 रुपए के रेंट को वक्फ बोर्ड को दे करके हजारों करोड़ों रुपए वो कमा रहा है। वक्फ बोर्ड को वो 8-8 रुपए रेंट देता है और उससे वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, 3000 करोड़ की संपत्ति। अब आती है बात कि आखिर
सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बोर्ड बिल लाया है तो उस वक्फ बोर्ड बिल को लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट में पढ़ने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद जेपीसी में भेज दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे होम मिनिस्टर है, जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है, किरण रिजिजू जी, दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि विदाउट एनी डिस्कशन ये बिल पास हो जाए या ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिल पास ना हो। दोनों ही ये चाहते थे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिल पास हो। अब आती है बात कि क्या वक्फ बोर्ड के जो रूल रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है या वक्फ बोर्ड एक्ट के बियॉन्ड जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोग नहीं जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हालांकि ये वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 हमारे संविधान का, हमारे कानून का, हमारे लॉ का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। यहाँ तक के पार्लियामेंट के जो पीपल एक्ट का जो बुक आता है, जो संविधान से जुड़ा हुआ है, वो इसका भी पार्ट नहीं है, किसी भी हाल में पार्ट नहीं है, ये एक अलग से किताब है। लेकिन इस किताब में भी वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 सेक्शन 12 पेज नंबर 13 और चैप्टर 3 में अगर हम जाते हैं तो उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, एवरी रूल मेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस चैप्टर शैल बी लेड एज सून एज मे बी After it is made before each house of parliament. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं के बनाए हुए, इन्हीं के जो हमारे भारत देश के संविधान या कानून का कोई पार्ट नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के मुल्ला मौलवियों ने ही बनाया है, इन्हीं के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है, बिल्कुल है ना। अब 2013 में भी वक्फ बोर्ड अमेंड हुआ था, पर क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इसलिए इनको इनको दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ये इंटरवीन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और इसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो इनको दिक्कत आ गई है, इनको प्रॉब्लम आ गया है। अब क्या है कि बिल क्या बोल रहा है, बिल ये बोल रहा है कि आप अपना ट्रिब्यूनल रखे हैं, अपना कोर्ट रखे हैं, अपना जज रखे हैं, अपना वकील रखे हैं, अपना आपने मुफ्ती रखा हुआ है, अपना आपने मुतवल्ली रखा हुआ है, और खुद ही आप लोगों को नोटिस भेजते हैं, खुद ही आप फैसला भी कर लेते हैं, तो इट्स बेटर कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके ऊपर हो जो सारी चीजों का इंक्वायरी करे जब आप डबल चेक हो जाए। हाँ, जब आप किसी को सेक्शन 6 वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के हिसाब से, सेक्शन 6 के हिसाब से जब आप किसी को एक नोटिस भेज रहे हैं और उसको आप बुला रहे हैं सेक्शन 9 के हिसाब से, तो वो डबल चेक जो है, वो क्रॉस एग्जामिन जो है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर लेगा, इसमें आपत्ति कहां पर है। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं होगा दुनिया में कि यही वक्फ बोर्ड ये भी बता रहा है कि जब हम किसी की जमीन हड़पेंगे, जब हम किसी की जमीन को अपना बोलेंगे, तो उसके सर्वे का सारा पैसा जो है वो स्टेट की सरकार देगी, स्टेट की सरकार देगी। क्यों भैया? हाँ। एक तरफ तुमको सरकार का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, दूसरी तरफ तुमको सरकार से पैसा भी चाहिए सर्वे करने के लिए, तीसरी तरफ तुम ना ना राज्य की सरकार को और ना केंद्र की सरकार को तुम कुछ डेटा और कुछ अकाउंटेबिलिटी देना चाहते हो, आखिर छुपा क्या रहे हो, छुपाना क्या चाह रहे हो। फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। मेरा कहना है कि जेपीसी में जब ये बिल गया और जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपसे कह रहा है कि आप अपने सारे बातें लिखित रूप में हमें दे दीजिए, तो आपको डिटेल देने में दिक्कत कहां पर हो रही है? आपने जो प्रॉपर्टी रखी है, आपने कितने सोशल वेलफेयर किए हैं और आपने कितना सोशल वर्क किया है, आपने मुसलमानों को कितना रिफॉर्म किया है, आपने मुसलमानों को कितना एडुकेट किया है, आपने मुसलमानों युवाओं के लिए कितने कितने स्कीम्स निकाले हैं, आपने मुसलमान बच्चियों की कितनी शादियां कराई हैं, आपने मुसलमान बच्चों के लिए कितना एडुकेशन स्कॉलरशिप निकाला है, आपने कितने स्कूल बनाए हैं, कितने यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने सरायखाने बनाए हैं, कितने आपने विडो हाउस बनाया है, कितना आपने ऑर्फन हाउस बनाया है, कितने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए आपने सेंटर खोले हैं, कितने कंप्यूटर सेंटर खोले हैं, कितने एमबीबीएस के लिए आपने कॉलेजेस खोले हैं, कितने एलएलबी के लिए आपने कॉलेजेस खोले हैं, दे दीजिए, बिल्कुल डिटेल्स दे दीजिए, राइट। प्रॉब्लम कहां पर है? दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ
जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ वक्फ बोर्ड को एक्सपोज किया बल्कि ओवैसी और मदनी जैसे मौलानाओं की भी पूरी तरह से पोल खोल के रख दी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।